नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेवन लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका मैराथन का 11वां संस्करण आज संपन्न हुआ, सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। और चूंकि वसई विरार महानगर पालिका इस आयोजन में काफी जोर लगाती है और कहीं न कहीं इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं तो महानगर पालिका करती है, साथ ही साथ सेलिब्रिटीज को यहां आमंत्रित करके लोगों को उत्साहवर्धन करती है। तो आज भी महानगर पालिका मैराथन में कई सेलिब्रिटी आए, अलग 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 फील्ड के, अलग अलग सिने जगत के, जिसमें बड़े पर्दे के और छोटे पर्दे के कलाकार मैराथन में दौड़ रहे लोगों को चेयरअप करने आए। मशहूर डायरेक्टर महेश मांजरेकर आज सुबह जब पहला फ्लैग ऑफ हुआ तभी पहुंच गए थे। उसके बाद में वागले की दुनिया, जो मशहूर अभी हाल फिलहाल में काफी लोकप्रिय धारावाहिक है, उसकी टीम आई थी। सीआईडी, जो सोनी टीवी का मशहूर धारावाहिक किसी जमाने में था और आज भी सोनी सब वगैरह पे वो शो चलता है, तब लोग बड़े चाव से देखते हैं, उसके कलाकार दयानंद शेट्टी, जिसे दया कहते हैं, जिनका कार्यक्रम में नाम दया है, वो भी आए थे। साथ ही साथ सुदेश चौधरी और बहुत से लोग थे, सबके नाम लेना यहाँ मुश्किल है। तो ऐसे कई सेलिब्रिटी यहाँ शामिल हुए और उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा बनकर जहां इवेंट की शोभा बढ़ाई, वहीं इस इवेंट में भाग लेने वाले लोगों का उत्साहवर्धन किया। हमने भी इस मौके पर दयानंद शेट्टी से मुलाकात की, बातचीत की, वो देखिए आप वीडियो में आगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय मैं शुरू करना चाहूंगा एक डायलॉग से, दया दरवाजा तोड़। हमारे साथ में सीआईडी के दया मौजूद है और यहां आए वसई विरार मैराथन में शामिल होने हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस है। दया सर नमस्कार। नमस्कार दया सर, आप आए हो, क्या एक्सपीरियंस है, क्या महसूस हो रहा है? महसूस अच्छा महसूस हो रहा है, यहाँ पे लोगों का उत्साह देखते बनता है, तो इतना जो एनर्जी लोगों में है वो देख के अपने आप में और आप में भी रब होता है वो, तो आपका भी एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रहता है ऐसे माहौल में। आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी वैसे बहुत स्मार्ट है, उनको संदेश की जरूरत नहीं है, बट मैं इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहें, अपने शरीर पे, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग करें। मैं अगर सुबह कहीं जाता हूँ जॉगिंग या साइकिलिंग करने के लिए, मैं देखता हूँ कि मिडिल एज लोग ज़्यादा सड़क पे वॉकिंग कर रहे होते हैं, यंग बच्चे बहुत कम होते हैं, तो प्रोत्साहन करूँगा बच्चों को, यंग बच्चों को जॉगिंग वॉकिंग या कोई भी एक अच्छा स्पोर्ट पकड़े और उसको फॉलो करें। तो दया सर ने यही आह्वान किया कि लोगों को जॉगिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।